Hello friends, welcome to Gates Measure. So the next query is, write a query to display the highest salary department wise and name of the employee who is taking that salary. So first of all, understand the query. Query mein hum kya puch rahe hai ki highest salary ko display karna hai, lekin in each department. Matlab, अभी हमने क्वेरी जो है पहले जो ये मैं पार्ट सीरीज बना रहा हूँ पूरी सब क्वेरीज की उसमें हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हैं. मतलब अगर मेरे पास ये गिवन टेबल है एम्प्लॉय का जहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा मेरे पास सेव है, इस एम्प्लॉयज के डेटा में हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करनी है. मतलब पूरे डेटा में हाईएस्ट सैलरी कौन ले रहा है, उस बंदे का नेम फाइंड करना है या उसकी सैलरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और अब नेक्स्ट लेवल क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज, मतलब इस एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं. तो अगर मुझे पता लगाना है कि जैसे एचआर डिपार्टमेंट, एचआर में राम भी है, एचआर में रवि भी है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट सैलरी किसकी है, मतलब एचआर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी कौन ले रहा है, उसकी आउटपुट आनी चाहिए. देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन ले रहा है, उसकी. देन आईटी में कौन ले रहा है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज मेरे को हाईएस्ट सैलरी प्रिंट करवाना है. और फिर जो सैलरी आई उस सैलरी को कौन अवेल कर रहा है, कौन ले रहा है उस सैलरी को, उस एम्प्लॉय का नेम मुझे प्रिंट कराना है. तो इस ऑब्वियसली ये जो मैं पार्ट फाइव बना रहा हूँ, इस पार्ट फाइव के लिए आपको पहले पार्ट वन टू थ्री फोर को देखना जरूरी है. तो मैं उनकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो आप प्लीज इनको एक सीरीज में देखें ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि हम कैसे लेवल बाय लेवल क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मैं क्वेरी की बात करूँ तो अगेन वी स्टार्ट. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द हाइएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज. तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है ये हम लास्ट में देखेंगे. फ्रॉम, बिकॉज हर क्वेरी में मैं रिपीट करता हूं कि हमेशा जब भी सीक्वल क्वेरी स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम से. क्योंकि फ्रॉम के साथ हम क्या लिखते हैं, टेबल का नेम, टेबल या रिलेशन का नेम. तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मतलब मेरे को आउटपुट कहां से चाहिए, जिस टेबल से चाहिए उस टेबल का नाम मैंने यहां पे मेंशन किया, फ्रॉम एम्प्लॉय. So select something, we will select from employee and we have to make a group. Because जितनी भी department की values है, जितनी भी department, यहाँ पे तो मैं आपको पांच rows दिख रही है, पांच tuples दिख रही है, हो सकता है इसमें 5000 tuples हो, 50,000 tuples हो, 5 lakh tuples हो, बहुत सारा data हो सकता है. अब उस data में हो सकता है department भी 10, 20, 30 departments हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में 20-30 डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं. तो इन डिपार्टमेंट की वैल्यूज जैसे एचआर, मार्केटिंग, ये रैंडमली कहीं भी पड़ी हो सकती है. हो सकता है एचआर फर्स्ट रो में पड़ा है, उसके बाद हो सकता है एचआर 30th रो में पड़ा है, 300 रो में पड़ा है, कोई भी जगह पे पड़ा है. तो मुझे सबसे पहले इनको ग्रुप बनाना है ताकि मैं अपने आउटपुट को, अपनी जो मेरा एम है, जो मैं क्वेरी से करना चाहता हूँ, उसको ईजिली मैं गेट कर सकूं. लेकिन उसको गेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है कि आप टेबल को पहले वर्चुअली लॉजिकली आप इसको कन्वर्ट कर लो कैसे टेबल में, जहां पे एचआर की वैल्यूज एक तरफ हो जाए, मार्केटिंग की वैल्यूज एक तरफ, आईटी की वैल्यू एक तरफ. मतलब डिपार्टमेंट वाइज आप एक ग्रुप बना लो, सब ग्रुप्स बना लो, मतलब आप एक टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो. तो ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज. फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. जैसे ही हमने किया सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो आप इसको लॉजिकली क्या सोच सकते हो कि एचआर वाली जो पूरी रो है, एचआर वाली जो पूरी रो है वो एक तरफ आ गई. मतलब सारी एचआर, एचआर वाली रोज जितनी भी है आपके टेबल में, लेट्स सपोज मल्टीपल रोज है, वो एक तरफ आ गई. मार्केटिंग, मार्केटिंग वाली एक तरफ आ गई. एंड आईटी, आईटी वाली एक तरफ आ गई. मतलब सारी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से कि एचआर डिपार्टमेंट इकट्ठा हो गया, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक तरफ हो गया, देन आईटी वाला एक तरफ हो गया, इसके ग्रुप्स बन गए. अब आप इन ग्रुप्स में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट सैलरी, मतलब मेरे को मैक्स सैलरी जो है वो यूज करना है. तो यहां पर मैं क्या कीवर्ड यूज कर रहा हूं, सैलरी एंड साथ में मैक्स. बिकॉज ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम
सैलरी, जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे जो भी कॉलम का नेम लिख रहे हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का अपना एक रूल है कि जो ग्रुप बाय के साथ आपने कॉलम लिखा हुआ है सिर्फ वही कॉलम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने तो कोई और कॉलम यूज कर लिया, ग्रुप बाय के साथ तो डिपार्टमेंट लिखा है लेकिन मैंने यूज किया सैलरी, तो सैलरी के लिए हमने साथ में क्या लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया, एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो जैसे ही सेलेक्ट मैक्स सैलरी किया होगा क्या, ग्रुप बाय मतलब एचआर में से मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एचआर में से 10,000 भी है 30,000 भी है, तो यहाँ पे 30,000 वैल्यूज जो है वो आउटपुट में आएगी। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जितनी भी रोज है उनका एक ग्रुप बन गया, तो मार्केटिंग में 20,000 भी है और मार्केटिंग में 40,000 भी है, तो यहाँ पे 40,000 मेरा आउटपुट में आ जाएगा। देन आईटी, आईटी में यहाँ पे बाय चांस आईटी में एक ही रो थी, अगर आप मान लो कि मल्टीपल रोज है तो उसमें भी आउटपुट में आ जाएगा, लेकिन अगर एक ही रो है तो वही मैक्सिमम है वही मिनिमम है, तो 50,000 यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। तो एक तरह से हमने क्या किया, इसको पहले तो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और ग्रुप वाई हमने मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट कर ली। तो जैसे ही मैक्स सैलरी फाइंड आउट की यहां पे, तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, 30,000, 40,000, 50,000, ये तीन रोज जो है आपको आउटपुट में आ जाएंगे। तो यहां पे मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखते ही मेरी आउटपुट क्या आ गई, 30, 40 एंड 50। तो ये तो ऑब्वियसली मेरे को पता लग गया यहाँ पे। अगर आपको प्रिंट भी करवाना है कि कौन से डिपार्टमेंट की कितनी है, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट भी यूज कर सकते हो। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स सैलरी किया तो आपको यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कि एचआर में इतनी, मार्केटिंग में इतनी एंड आईटी में दिस। सो दिस इज द हाफ ऑफ द क्वेश्चन की राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो हमने डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकाल ली, तो आप इस चीज को यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी। अब जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में, हर एक सब क्वेरी में करते हैं कि हमें आधा क्वेश्चन तो पता लग गया कि सैलरी ये है, लेकिन उस एम्प्लॉई का नेम फाइंड करना है जो ये सैलरी ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम एक अपर क्वेरी, मतलब इसको हम एक सब क्वेरी की तरह इनर क्वेरी में रखेंगे और एक आउटर क्वेरी में हम, बिकॉज जब भी सब क्वेरी में एक इनर क्वेरी है एक आउटर क्वेरी, कैसे ये देखिए, एक होती है आउटर क्वेरी और आउटर क्वेरी के अंदर एक है इनर क्वेरी, तो इनर क्वेरी अपना आउटपुट दे देगी। जैसे ये इनर क्वेरी है, इनर क्वेरी ने अपनी आउटपुट दे दी, क्या ये जैसे आउटपुट है। अब इस इनर क्वेरी की आउटपुट को हम यूज करेंगे और आउटर क्वेरी से हम फाइनल आउटपुट निकालेंगे। तो आउटर क्वेरी में हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो कैसे लिखेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यहां से मैं डिपार्टमेंट को एक बार हटा देता हूं, बिकॉज सी सेलेक्ट ई नेम, बिकॉज कॉलम का नेम क्या है, ई नेम, इंप्लॉय नेम, सेलेक्ट इंप्लॉय नेम फ्रॉम इंप्लॉय वेयर सैलरी, वेयर सैलरी इन, यहां पे यूज करना इन कीवर्ड, इक्वल टू गलती से भी यूज नहीं करना, बिकॉज इक्वल टू हमेशा दो को कंपेयर करता है, लेकिन यहां पे इनर क्वेरी की आउटपुट मेरे पास तीन है, इनर क्वेरी तीन रोज रिटर्न कर रही है, तो जहां पे इनर क्वेरी तीन रोज रिटर्न कर रही हो वहां पे आप यहां इक्वल टू नहीं इन यूज करोगे, इक्वल टू का यूज नहीं करोगे। क्या आया, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये इसकी तो आउटपुट हमारे पास आ चुकी है, इसकी आउटपुट तो ये रही, अब बाहर वाली के साथ कंपेयर करते हैं। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, वेयर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से देखो सैलरी, सबसे पहली सैलरी कितनी है, 10,000, 10,000 इन, क्या 10,000 इन दिस है, इन मतलब इंक्लूड, क्या 10,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है, नो, सो रॉन्ग। देन नेक्स्ट सैलरी क्या है, 20,000, एक एक करके आपको कंपेयर करना है, क्या 20,000 इंक्लूडेड है, नो, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड। देन थर्ड सैलरी इज व्हाट,
30,000, एक एक करके कंपेयर करना है सारी, क्योंकि हमने बाहर वाले टेबल में कोई ग्रुप बाय नहीं, कोई वेयर नहीं, सिंपल किया फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी 30,000. क्या 30,000 इंक्लूडेड है? यस. सो 30,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है? 30,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है? रवि. सो रवि शुड बी इन द आउटपुट. देन नेक्स्ट सैलरी 40. क्या 40,000 इंक्लूडेड है यहां? यस, 40,000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो ट्रू है, तो 40,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है? नितिन. सो नितिन शुड बी द आउटपुट. देन 50,000 इन दिस है, इंक्लूडेड है? यस, ट्रू. सो ट्रू है, तो 50,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है? वरुण. इसके अलावा कोई सैलरी नहीं है. तो यानी यहां पे ये कंपेयर करेगा सारी वैल्यू से और फाइनल में मेरे को आउटपुट क्या देगा? रवि, नितिन एंड वरुण. सो दीज आर द एम्प्लॉइज. रवि जो है वो एचआर में हाईएस्ट सैलरी ले रहा है, नितिन मार्केटिंग में हाईएस्ट सैलरी ले रहा है, एंड वरुण आईटी में हाईएस्ट सैलरी ले रहा है. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द सब क्वेरी वेयर वी हैव टू रिटर्न व्हाट हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एंड नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज एक्चुअली टेकिंग दैट सैलरी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.